जरूर चलेंगे, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली, तू भी अपने घर वालों से बात कर ली। अच्छा चल मैं तुझे पूछ के बता दूंगी। ठीक है बेस्ट है, बहुत मजा आएगा। खाने में क्या बनाया है? वो आपके पसंद की दाल बनाई। फिर वही खाना रोज बना देती हो, वो जाता है? आपसे बात करनी थी। क्या है अब, पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे। नहीं अबू, पैसे नहीं चाहिए, सारी दोस्त है ना, पिकनिक पे जा रही थी। बस बस, ये यूनिवर्सिटी में यही सब होता है। तुम लोग पढ़ने जाते हो, क्या करते हो? बाद में तुम बदनामियां करते हो, ये तरीके करते हो, वो करते हो। जाओ अपने रूम में जाओ। तुमने नाश्ता नहीं बनाया? जी नाश्ता मैं बस बना रही हूँ। कोई काम निकी नहीं हो तुम। कल तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे, तैयार होके बैठ जाना, घर के सारे मामला देख लेना। अब वो ऐसे कैसे कर सकते, मैं तो अभी 20 साल की हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। बस बस बस, जितना जल्दी हो सके अपने घर के मामला देखो, अपना घर संवारो और अपने घर की हो जाओ। मैं आपकी बेटी हूँ यार। बस ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें ऑर्फेनेज में डलवा दूँगा। जो जो जैसा लड़का हो शादी तय कर देंगे। बस ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। हेलो आयशा। हेलो, क्या हुआ मैमा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ मैं क्या करूं? रुको मैं कुछ करती हूँ। हेलो कवल, यार मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरी दोस्त के अब्बू है ना, उसने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और उसे टॉर्चर कर रहे हैं बहुत, और उसकी शादी करा रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ओके थैंक यू। क्या है, क्यों आई हो? चिंता में मामा की दोस्त है, ये कोर्ट से लेटर है आपके। ये क्या मजाक है? जी आपने सही सुना है, इसमें यह लिखा है कि आप उमैमा के अब्बू हैं और अब आप उसका हर हक बनता है कि आप उसे पढ़ाई करने देंगे, उसकी शादी उसकी मर्जी से करने देंगे और उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको पेनल्टी होगी और आपको जेल भी हो सकती है। तो आप प्लीज़ अब अच्छे बाप की तरह एक अच्छा फ़र्ज अदा करें अपनी बेटी के लिए और उसको मेंटली टॉर्चर ना करें। Bye.
उमैमा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये लो मेरे ऑफिस का नंबर, कुछ भी मसला हो मुझे कॉल कर देना। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ। थैंक यू आयशा। कोई बात नहीं। अच्छा सर मैं जा रही हूँ और इस लेटर के लिए सॉरी, लेकिन ये आपकी और आपकी बेटी का ज़िंदगी का सवाल है। और बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। सर मेरा मशवरा ये है कि आप और उमैमा को थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। ये मेरी फ्रेंड का विजिटिंग कार्ड है, आप ज़रूर इससे रब्ता कीजिएगा। सॉरी अभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मगर मुझे लगता है ऐशा सही कह रही है, मैं थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। हम इंशाल्लाह जाएंगे। हेलो सर, पहले आप स्टार्ट करें। सलाम वालेकुम, मैं राफे और ये मेरी बेटी उमैमा है। और वाइफ के इंतकाल के बाद मैं काफ़ी अकेला सा हो गया था और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो, बस उसकी परेशानी और तकलीफ़ के लिए मैं इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें कर गया हूँ, जिसमें मुझे खुद नहीं पता चला कि क्या से क्या होता चला गया और आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है। देखिए राफे, आई नो आपको, मुझे पता है कि आपको अपनी बेटी को खोने का डर है। उमैमा की अम्मी के जाने के बाद आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, मगर एक ना एक दिन तो उसने कहीं जाना है, तब आप क्या करेंगे? देखें आप सोच भी नहीं सकते कि कल आप क्या करने जा रहे थे। कल आप बहुत ज़बरदस्ती करने जा रहे थे इसके साथ। आपके दिमाग में ये है कि आपकी वाइफ चली गई है, तो उसके बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए। लेकिन अब आप सोचें कल को ये चली जाएंगी अपनी शादी करके अपने घर, तो आपका क्या होगा? तब आप कैसे गुजारा करेंगे? तब आप तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सोचिए अगर आप प्यार के साथ रहते, इसको प्यार के साथ रखते, ना इस पर इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करते, ना इस पर इतनी पाबंदियाँ लगाते, तो कभी ये आपके साथ ऐसा बर्ताव करती, ऐसा बिहेव करती, इसकी दोस्त की हिम्मत होती कि वो आपसे आगे ऐसे बात करे, आपको जाके नोटिस दिखाए? बेटा आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने ये सब किया। अब आप बताओ मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं अब्बू, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ आप प्लीज़ अब्बू पहले जैसे हो जाएं और मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। हाँ बेटा इंशाल्लाह। चलो आप लोगों ने तो फर्स्ट सेशन में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई, चले मैं आप लोगों को भी एक जर्नल दे रहा हूँ एक एक। आप लोगों ने कल से क्या काम करना है, आपने एक काम करना है कि एक दूसरे की जो जो आप लोगों को लगे कि बुराई आप में कुछ लग रहा हो, तो एक आपने रखना है, एक आपने रखना है, और आपने इसमें सिर्फ नोट करना है एक दूसरे के बारे में। एक दूसरे को कुछ कहना नहीं है, दूसरे को बुरा नहीं कहना, बस आप लोगों ने नोट करके एक दूसरे के बारे में लिखना है। फिर इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे तब हम देखेंगे कि आप लोगों में क्या क्या कितने इंप्रूवमेंट आई है, और इससे ये होगा कि आप लोग जब एक दूसरे को कुछ कहेंगे नहीं तो आप लोग के दिल साफ रहेंगे, सामने आप लोग साफ रहेंगे। तो थैंक यू, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि ये प्रॉब्लम जो है हर घर का प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर हमारे जो बड़े होते हैं वो इस छोटी सी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल छोटा समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, इस इशू को देखते ही नहीं है, और ये इशू आगे आके बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है। जिस तरह के आपने ये कहानी देखी थी, इसके अंदर एक उमैमा नामी लड़की थी जिसको बिल्कुल ही मेंटल अब्यूज़ किया गया उसके वालिद की तरफ से, और ये हर घर के मामले हैं, आजकल हर घर में ऐसा हो रहा है। हम नहीं देख पा रहे हैं, ना हम इस चीज़ को प्रमोट कर पा रहे हैं कि हम इस इशू पर बात करें। इस कहानी को बिल्कुल छोटा समझ के बिल्कुल दबा दिया जाता है। तो अगर हम सब मिलकर इस सोसाइटी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने हमारी आने वाली जनरेशन को अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन से हर छोटे छोटे मसले को मालूमात करनी चाहिए, उनसे उसके इशू के बात करना चाहिए, ना कि उसको ये बोलना चाहिए कि नहीं आप खामोश रहो, बिल्कुल चुप मसला है, क्योंकि ये बहुत बड़े डिज़ास्टर की इब्तिदा होती है। थैंक यू वेरी मच।